ब्रश को दिल्ली में प्लेट में ये जाएगा, ये इसकी अनसीसी है। आप देखिए, मैं ये कहती हूँ कि हर व्यक्ति के अंदर वो संभावनाएं हैं। हमारा व्यक्तित्व, हम ऐसे गीत गाते हैं ईश्वर जीव विनाशी, लेकिन महसूस नहीं करते हैं। उसे महसूस करो, आपके अंदर उस शक्ति का स्रोत है। उस शक्ति के स्रोत से जुड़ने का एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस से आप यदि जुड़ना सीखता हो तो नित्य नया आपके अंदर ज्ञान प्रस्फुटित होगा। उस ज्ञान किसी सीमा तक आप ले सकते हो, लेकिन जो अनंत ज्ञान का स्रोत है, उस ज्ञान के स्रोत को टूटने न दो। तो देखो तो सही, वहाँ साइंस भी है, वहाँ टेक्नोलॉजी भी है, वहाँ हिंदी भी है, वहाँ इंग्लिश भी है, वहाँ संस्कृत भी है। हर भाषा का ज्ञान आ जाएगा, हर तरह का ज्ञान आ जाएगा, हर व्यक्तित्व का वो विकास हो जाएगा। हमारा भारत एक दिन सही में वो भारत बन जाएगा जिस भारत के गीत हम गाते हैं। हम भारत के गीत नहीं गाते, हम भारत को भारत बनाना चाहते हैं। हमारे गुरुजी ने जब हमें सिलेक्ट किया, हम नहीं जानते थे गुरुजी क्या करना चाहते हैं, लेकिन हम लोगों ने उन्हीं कॉलेज स्कूल में पढ़े, हमने भी एम एम ए तक पढ़ाई की है, लेकिन हम उन कॉलेज स्कूलों में सिर्फ सर्टिफिकेट लिए थे, लेकिन गुरुजी ने हमें वो शक्ति दी अपनी साधना, हमने कुछ नहीं किया। ये उनकी कृपा का प्रसाद है जो हमारे पास है, और उस कृपा के प्रसाद से मैं ये अनुभव करती हूँ, देश विदेश में उन्होंने उस प्रोसेस से इस देश को पूरा उसी रूप में प्रतिष्ठित करने का संकल्प किया है। उन्होंने 30 विद्यालय खोले, 68 इयर्स की एज में उन्होंने समाधि ले ली, लेकिन उन्होंने 30 स्कूल इंडिया में खोले। आज मुझे बड़ा गौरव है इस बात का कहने का कि यूके में भी हम एक स्कूल खोलने जा रहे हैं जिसका नाम ऋषि गुरुकुल होगा, और उसमें हम वही गुरु जी का जो प्रोसेस है उसके द्वारा जो नेशनल करिकुलम में पढ़ाते हुए वहां के बच्चों के अंदर कैसे संस्कार डालेंगे। और एक दिन आएगा कि हमारे गुरुदेव का नाम भी विवेकानंद, मैं कहती हूँ विवेकानंद के रूप में हमें हमारे गुरुदेव जी मिले थे। विवेकानंद जी ने जिन परिस्थितियों में इस तरह का संकल्प किया था, जैसे अमेरिका में जाकर के उन्होंने एक उद्घोष किया जिससे उनके व्यक्तित्व का एक ऐसा प्रकाश हुआ जो भारत में नहीं पूरे विश्व में उनको आलोकित कर दिया। ऐसे हमारे गुरुदेव के ऐसे शिष्य निकलेंगे जो राजनेता बनेंगे तो लोग समझेंगे कि आज वो राजनेता है जिनके हृदय में अपने देश के प्रति निष्ठा है। उनको धन से नहीं, उनको जन से प्यार है, उनको अपने से नहीं, उनको जनता से प्यार है। हमारे बच्चे वो निकलेंगे जिनके अंदर वो सहानुभूति होगी, वो उदारता होगी, वो सुखद कुटुंबों की भावना से जीवित रहने का उनको प्रोसेस सिखाया जाएगा। वो हर एक के हृदय में विराजमान प्रभु को देखने की वो कला सीख करके जाएंगे, जिससे एक दिन आएगा कि हम अपने गुरुदेव के उस संकल्प को साकार होता देखने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। यहाँ पर मुझे ये सब इसलिए आज अच्छा लगा कि मेरे एक भाई ने वो कविताएं पढ़ करके मेरे उस रंग को छेड़ दिया जिसके अंदर मेरे लिए जो तड़प है। सही में मैं कहती हूँ कि मैं जानती हूँ कि मैं मेरे कई बार मैं सोचती हूँ गुरुजी ने जन जागृति अभियान निकाला, मैं नारी जागृति अभियान निकाल हूँ, मैं नारियों को लेकर के आगे निकलूँ। नारी के अंदर आज आवश्यकता है उसके अंदर छुपी हुई झांसी नारी को निकालू, उसके अंदर छुपी हुई दुर्गावती को निकालू, उसके अंदर निकली पड़ी हुई सतियों को जागृत कर उसके अंदर वो शक्ति आ जाए, भारत की नारी नारी हो जाए जो स्थिति आज नारी की हो रही है। बड़ा खेद है, लेकिन भगवान की कृपा से मुझे पूरा विश्वास है अपने गुरुदेव के उस संकल्प से। यदि आप सोचिए महात्मा बुद्ध का 300 साल के बाद जाकर के प्रचार हुआ था, जब राजधर्म बना था, हमारे गुरुदेव ने पुस्तकें लिखी, हमारे गुरुदेव ने स्कूल खोले हैं, हमारे गुरुदेव के शिष्य जो है वो हर श्वास अपना गुरुदेव के लिए समर्पित करके अपने राष्ट्र को प्रभु का रूप समझते हुए उसकी सेवा में जीवन को समर्पित करना चाहते हैं। मैं आज आप सब लोगों का आभार व्यक्त करते हुए मैं सोचती हूँ मैं क्या कहूँ आप लोगों से। आप लोगों ने बहुत कष्ट किया, मैं आप लोगों के हृदय में विराजमान प्रभु से यही प्रार्थना करती हूँ कि हमारे गुरुदेव के संकल्प को साकार करने की शक्ति आप सबके अंदर आए, और विवेकानंद का जो उद्घोष था वही उद्घोष हमारे गुरुदेव का था, उसी उद्घोष को हम लोग अपना उद्घोष बनाकर अपने जीवन पर उस हर श्वास को समर्पित करके अपने जीवन को सार्थक कर ले। यही बार बार सबको आशीर्वाद देती हूँ। आप लोगों को कष्ट किया, मैं आप लोगों से क्षमा याचना करती हूँ, विशेष रूप से स्वामी जी से क्षमा याचना करती हूँ, आपसे भी क्षमा याचना करती हूँ। आप सब लोगों के हृदय में प्रभु को प्रणाम करते हुए
यही कहती हूँ कि आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरा जन्मदिन है, मेरे गुरुदेव की कृपा का जन्मदिन है। हरिओम। सब कुछ मेरे हृदय की सारी बातें बोल दी हैं। मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ कि मेरे एक फोन करने मात्र से आप सभी यहाँ पर आए, शहर की बहुत सी संस्थाएं, सनातन धर्म महासभा, राम अवेयरनेस मूवमेंट, रोटरी क्लब, रामलीला समिति गढ़ा और कल्याणिका बाबा जी के डॉक्टर दुबे जी, राम मंदिर के हमारे सभी भाई और विशेष रूप से हमारे राम अवेयरनेस मूवमेंट के जितने बंधु हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कल अंदर भैया जी से मेरी जब बात हुई तो बोले कि दीदी हमने तो कल रात का कार्यक्रम हमने आ रखा था, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आपके सारे कार्यकर्ता जो हैं वो कार्यक्रम में खूब मेहनत की है, उसके बाद एक रिफ्रेशिंग गेट टुगेदर हो जाएगी और दीदी का 75th बर्थडे हम लोग मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। हालांकि हमें पता था कि रात बहुत हो जाएगी, देर हो जाएगी, लेकिन कभी कभार ऐसा चल जाता है, हम लोग पार्टीज में भी अक्सर लोग जाते हैं तो बहुत लेट हो जाता है, लेकिन ऐसी डिवाइन पार्टी शायद आप लोगों ने कभी अटेंड नहीं की होगी, तो मैं तो इसको डिवाइन पार्टी ही कहूंगी बच्चों की भाषा में। आप सब लोगों का बहुत आभार, विशेष रूप से महाराज जी का बहुत आभार, स्वामी राजेश्वर जी महाराज का बहुत आभार, उनको प्रणाम करती हूँ और पूजा दीदी जी को प्रणाम करती हूँ। मैं इनसे क्षमा चाहती हूँ कि आज दिन भर इनसे हम झूठ बोलते रहे, सवेरे उठने से लेकर अभी यहाँ हॉल में आने तक हम दिन भर झूठ ही बोला। इन्होंने कहा कि खाना कितने बजे खाना, मतलब खाना दिन भर कुछ और खाएंगे, रात में खाना खाएंगे। इन्होंने कहा कि अच्छा फिर हमें क्या करना है, मैंने कहा आपको सुबह जी क्या हुआ, उन लोगों को कुछ आपसे बात करनी है, तो मैं किसी तरह से हम लोग टाल मटोल करते रहे, पूरा दिन झूठ बोला, इसलिए मैं क्षमा चाहती हूँ आपसे। हम लोग चाहते थे कि आपको ये सरप्राइज दे और आपके चेहरे पर जो भाव थे वो हम लोग देखने के लिए दिन भर से तरस रहे थे। बच्चों ने खूब परिश्रम से साथ दिया, आप हमें ये आशीर्वाद दें कि आपने अपने जीवन में जो कुछ किया है उसका थोड़ा सा अंश हम भी गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित कर पाए, इस राष्ट्र के लिए कुछ कर पाए। कल मंच पर डॉक्टर कृष्णकांत चतुर्वेदी जी को आज आ नहीं पाए, उनके पास ड्राइवर नहीं था, वो अभी फोन आया था कि मुझे बहुत दुख हो रहा है मैं नहीं पहुंच पाया हूं। उन्होंने एक बात कही थी और वो बात सुनकर मैं गदगद हो गई थी। उन्होंने मन से कहा कि संस्कार खाने की लाली बेटी, और यहाँ वापस आश्रम आने तक मेरे कान में वो शब्द गूंज रहे थे। आज सब लोगों ने इतने स्नेह से मेरे फोन करने पर आप सब लोग यहाँ पर आए हैं, इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। कल चतुर्वेदी जी ने केवल शब्दों से कहा था कि हमारी लाडली बेटी, आज आप लोगों ने आकर उसको सिद्ध कर दिया। और दीदी के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सब लोगों से निवेदन करती हूँ कि दीदी के अमृत महोत्सव के इस उपलक्ष्य में आप सब लोग प्रसाद लेकर जाएं। आप सब लोग, कल संडे है और मैं ऐसी आशा करती हूँ कि आप लोगों को अधिक कष्ट नहीं हुआ होगा, हुआ भी होगा तो आप मुझे क्षमा करेंगे। डॉक्टर अखिलेश कुमार सा मेरा छोटा भाई है, मेरे हृदय में इसके प्रति इतना स्नेह है, इतनी मेरे भाव से पूरी हो कि इस मेरा बच्चा लगता है मुझे, इस बच्चे ने इतना परिश्रम किया है, मैं जानती नहीं थी इतना बड़ा कार्यक्रम, और इस स्वामी जी का मुझे कथा सुना करके इन्होंने मेरे को बहुत इम्पैक्ट किया। मैं सही में अनुभव करती हूँ कि वहाँ कथा सुन करके मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे क्या पता था इन लोगों की क्या योजना है, इस बच्चे ने इतना काम किया है। मैं सोचती हूँ आप देखिए जो हॉस्पिस खुला है हमारा, वो गुरु जी का कितना बड़ा काम हो रहा है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। यदि यहाँ ये अखिलेश नहीं होता तो ये हॉस्पिस नहीं हो सकता था, हॉस्पिस ना होता तो आज मुझे वो संभावनाएं जो हमें लग रहा है कि हमारे गुरुदेव का संकल्प से साकार हो रहा, मुझे ऐसे बच्चे खड़े हो रहे हैं। साधना जी और डॉक्टर कुमार साहब को मैं इसलिए क्योंकि उनके सहयोग के बिना ये नहीं कर सकते।
के मैं इनको भी आशीर्वाद देना चाहती हूँ। ये देखो अगर साधना की अपनी साधना से इनको प्रेरणा न दे साधना से नहीं कोई बात नहीं। आप लोगों को भगवान और शक्ति दे और आप लोगों के अंदर निष्ठा दे ये बच्चे दीदी को अपने हाथ से ग्रीटिंग कार्ड जमा बनाए और हाथ से दीदी को प्रस्तुत कर रहे रोहित रोहित दुबे जी आई रोहित दुबे जी अरे बड़ी बड़ी दीदी देखिए ये मैं तो लंदन भी जाके आए हाँ जी उनका वहाँ होता दो था याद करते हैं क्योंकि लड़की की नानी थी बहुत अच्छी थी मुझे कहा दीदी बंटी गार्डन वाला से है दीदी ये गुलशन बकीजा जी हैं राम मंदिर के अध्यक्ष हैं और ये अपनी समिति की तरफ से आपको 8 तारीख के कार्यक्रम का मैं 8 तारीख के कार्यक्रम में आपने जो कहूँ मैं करने के लिए तैयार हूँ आपने इतना दबा दिया है मैं अब जो कहूँ मैं करने के लिए भैया मौका है अब बताओ आपका जाना चलिए अब आइए श्याम भैया फोटो लेना है आप ना सुन सके और वो कलीपुर तो भारत ही आ जा तो आपको मेरा दिल करता है आपका नाम सुनो नहीं हंस लो हंस लो हंस लो अच्छा भाई बेटा एक बोलो एक सेकंड दीदी आइए।